अब चालू होगा हमारा परिक्रमा गोवर्धन से, गोवर्धन की मंदिर से होगा चालू परिक्रमा। चले फिर, हाँ जी चलो आइए बैग चालू हो गए। अच्छा। अब यहाँ से परिक्रमा चालू हो गई है। ये सामने मंदिर है, ये लाल की सब परिक्रमा चालू कर दी है। परिक्रमा यहाँ से शुरू हो जाती है और गोवर्धन की परिक्रमा यहीं से हम भी लगाएंगे। अब हेलमेट नीचे गिरा दिए, बंद है। चलो राधे राधे। अब यहाँ से ये मंदिर है गोवर्धन की। यहाँ से परिक्रमा चालू होती है और ये मंदिर है। मंदिर परिक्रमा यहीं पूरी होगी वापसी आके। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं परिक्रमा। ये मंदिर है, और यहाँ से हम परिक्रमा अब चालू कर रहे हैं। हमारे साथ वाले वो आगे चल रहे हैं, हम भी शुरू कर रहे हैं यहीं से। देखो सब परिक्रमा अब अपना पूरा करके आ रहे हैं। मैं भी इस बार पहली बार आया हूँ और मैं सोचा गोवर्धन पर्वत होगा, यहाँ पर्वत नहीं है, मतलब पर्वत पहले था। ये देखो ये सब परिक्रमा ही लगा रहे हैं यहाँ से। हमें लेट कर जाने का परिक्रमा मांग रहे हैं, जा रहे हैं सब। जो जैसे मानते हैं परिक्रमा उसी तरह से लगाते हैं, और सब लोग पैदल ही चल रहे हैं, पैदल जाने का मान रहे हैं, पैदल रखना चल रहे हैं। बारिश चालू हो गई, धीरे धीरे बूंदे पड़ने लगी। अब परिक्रमा लगाने वाले सब लगा रहे हैं। आज सुबह से ही हम भीज रहे हैं, सुबह से ही बारिश बंद नहीं हो रही। धीरे 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 बारिश बराबर हो जा रही है। हम लोग आगरा से सुबह निकले वृंदावन से, फिर आगरा गए, आगरा से फिर वापस आए। अब गोवर्धन का चक्कर लगा रहे हैं। राधे राधे। काफी अच्छी दुकाने लगा रखे हैं। सब परिक्रमा में लगे हुए हैं धीरे धीरे। राधे 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 राधे। और कैसा चक्कर लग रहा है? परिक्रमा लग रही है, लग रहे हैं परिक्रमा। और क्या, ये पहाड़ी तो था, पहाड़ था, पहाड़ गया कहाँ? पहाड़ पे ये मकान।
सब पहाड़ पे मकान बन गए। धीरे धीरे अंदर ही घुस रहा पहाड़ था पहले, धीरे धीरे अंदर घुस रहा। पहाड़ बहुत दूर में था इसलिए पता नहीं लग रहा पहाड़ है कि नहीं है। राधे राधे राधा कुंड 4 किलोमीटर, इसी रूट पर राधा कुंड भी है 4 किलोमीटर। कौन सा महल? फिर कोई महल आएगा आगे दिखाते हैं वो महल भी। बजरंग बली की मूर्ति यहाँ पे है, ये भी एक मंदिर ही है। बारिश का पानी भरा हुआ है। राधा रानी कुंड पे हम पहुंच गए हैं। ये कुंड है, कुंड का गेट। ले 10 रुपए का, यही है कुंड राधा। 10 रुपए का राधा कुंड का, पैसा बाद में देना, प्लेट लेके आओगे तब। 10 रुपए पैसा बाद में देना, प्लेट लेके आओगे। यहाँ पे बत्ती जलाते हैं सब, नीचे खंड जो चली हुई है वहीं पे जला के प्लेट लेके आते हैं। राधा कुंड माचिस तेरे पास नहीं? माचिस सब यहाँ दूध जला रहे हैं। एक ही दो ही जला रहे हो? आंटी दो की तीन बता रहे हो आप लोग, दे दो ना। 10 रुपए की जो जलाने के देते हैं। हाँ रख दी। राधा रानी की जय। एक कुंड है, सब जोत जला रहे हैं। ललितेश्वर महादेव, ये कुंड में पैर न धोए भी एक कुंड है। सब परिक्रमा लगा रहे हैं। ऐसे ऐसे गलियों से होकर के पूरा परिक्रमा लगेगा।
ऐसी दुकानें भी जगह जगह मिलती जाएंगी। जगह जगह ऐसे लोग दुकानें लगा के बैठे हुए हैं, दुकानें हैं और ऐसे गलियों में से हो के परिक्रमा लगानी पड़ती है। और यहाँ से मार्केट लगी हुई है, यहाँ पे सामान ले सकते हैं, दुकानें खुली हुई हैं और यहाँ से अब हमारा परिक्रमा भी समाप्त होता है। यहाँ आके परिक्रमा समाप्त हो जाती है इस गेट पे और यहाँ से इस तरफ को जाना होता है। वापसी हम मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, अब जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने। हमारा परिक्रमा पूरा हो गया पर मंदिर के अंदर कुछ नज़ारा इस तरह का है, गोवर्धन पर्वत के मंदिर का। एक गोवर्धन पर्वत है और यहाँ पे वीडियो अंदर मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, मंदिर के अंदर वीडियो नहीं बना सकते। और बाहर आपको पास में ही धर्मशाला भी अच्छे खासे मिल जाएंगे, 500 700 1000 1500 जैसे आपको नॉन एसी एसी जैसे कमरा चाहिए वैसे मिल जाएंगे आपको यहीं पे। अब साइड में ही आपको सब मिल जाएंगे।